नमस्कार दोस्तों। तो गाइस मैंने पहले रिव्यू किए थे दो मॉडल्स, तो आज वापस मैं एक एचपी का मॉडल लेके आया हूँ लाइट वेट में, कॉम्पैक्ट में। काफी सारे लोगों को ये मॉडल के बारे में पता है, एचपी एलाइट बुक सीरीज है पहली बार। तो बहुत लोगों को पता है कि एलाइट बुक सीरीज एक बिजनेस सीरीज है, उसके जो परफॉर्मेंस है उसका जो क्वालिटी है बहुत अलग होता है। तो पहली बात तो आप बिजनेस लैपटॉप और कंज्यूमर लैपटॉप को कंपेयर आप नहीं कर सकते। तो गाइस आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एचपी का एलाइट बुक 820G1, एचपी लैपबुक 820G1, जो कि एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप है, ये रिफर्बिश्ड पीस है। तो गाइस ये अपने पास जो अवेलेबिलिटी है इसकी, वो कोर i5 आपको आएगी लैपबुक 820G1। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन साइज की, 12.5 इंच का लैपटॉप है। तो गाइस जिनको कॉम्पैक्ट चाहिए, लाइट वेट चाहिए, यू नो कैरी करने के लिए चाहिए, उनके लिए गाइस ये परफेक्ट रहता है। स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, वीडियो कॉल, वीडियो लेक्चर्स, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, वैसे लोग के लिए गाइस एकदम मोर देन इनफ लैपटॉप है। तो गाइस दूसरी हम लोग बात करेंगे इसके फिजिकल बॉडी क्वालिटी एंड वेट के बारे में। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, आप कोई भी लैपटॉप परचेस करते हो तभी उसका जो फिजिकल बॉडी की जो क्वालिटी है, जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है, उसका वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली अंदर के स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो गाइस अब बात करते हैं पहले इसकी फिजिकल बॉडी की। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये जो क्वालिटी है वो काफी स्टर्डी दी गई हुई है। जो एचपी की जो पूरी एलाइट बुक सीरीज है, आपको फ्रंट साइड पे गाइस पूरा मेटल टाइप लैपटॉप मिलेगा, पूरी मेटल कोटिंग की गई हुई है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे किस तरह की गाइस आपको जो इसकी कंडीशन है वो काफी हार्ड मिलेगी। ये अगर जल्दी गिर के टूटेगा भी नहीं, काफी स्टर्डी एंड मजबूत आपको ये पूरा जो इसका बेस है वो आपको मिलने वाला है। यहाँ पे गाइस कीबोर्ड क्वालिटी भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे पूरा चिकलेट कीबोर्ड है। जो भी स्पेसिंग दी गई हुई है वो काफी इवन स्पेसिंग है। तो आप अगर एक अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं छोटी स्क्रीन पे, तो कीबोर्ड के जो प्रोपोर्शन है, जो जिस रेशियो में वो लोग ने कीबोर्ड दिया है वो भी एकदम सही है। और गाइस ओवरऑल क्वालिटी की बात करेंगे तो बेजल यहाँ पे आपको एक बेसिक रबर टाइप का एक बेजल मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा डेलिकेट है, बट ओवरऑल ये जो कंडीशन है गाइस वो काफी डिसेंट रहेगी। इवन बैक साइड पे आप चेक कर सकते हो, ये गाइस रिफर्बिश्ड है, फिर भी आप क्वालिटी चेक करेंगे तो जो बैक साइड का जो यहाँ पे रबर टाइप प्लास्टिक का जो बॉडी है वो भी थोड़ी सी डेलिकेट है, बट ओवरऑल ही काफी आपको एक स्टर्डी एक्सपीरियंस गाइस मिलने वाला है। तो गाइस अब ये चेक कर सकते हो यहाँ पे फ्रंट स्पीकर्स दिए हुए हैं, हिंजेस इसके काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी लाइट बुक सीरीज में हिंजेस में आप चेक कर सकते हो इस साइड पे, यहाँ पे दो पार्ट्स आते हैं, एक जो इस तरफ आता है और एक जो नीचे होता है। ये अगर गाइस टूट गया तो आपका जो हिंज है वो काफी लूज हो सकता है, बट ओवरऑल ही छोटे हिंजेस है, फिर भी जो हिंज क्वालिटी है गाइस वो काफी अच्छी रहती है। अब इस तरीके से इसको होल्ड करेंगे एंगल से भी गाइस आप इसे होल्ड कर सकते हैं। एंड बैक साइड बॉडी की बात करेंगे गाइस, तो एकदम बेसिक वो लोग ने बॉडी दी गई हुई है, तो एकदम बेसिक है, ज्यादा कुछ है नहीं, कोई स्क्रू खोलना नहीं है। आप डायरेक्ट कुछ भी अपग्रेड मॉडिफाई करने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे लॉक पुश करके लैपटॉप खोल सकते हो। रही बात गाइस वेट की, तो अप्रोक्सीमेटली 1.4-1.5 केजी का ये लैपटॉप है एलाइट बुक 820G1। काफी गाइस पोर्टेबल है, आप इसे एक हाथ से उठा सकते हैं, आप किसको कुछ दिखा रहे हैं या प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं, आपको कोई भी प्रेजेंटेशन है, तो उस चीज के लिए जो इसकी वेट कैटेगरी है वो काफी डिसेंट वेट कैटेगरी में फॉल होती है। एक्सट्रीम लाइट वेट नहीं बोलूंगा, पर गाइस काफी लाइट वेट है, आप अगर बैग में कैरी करेंगे तो आपको लोड नहीं आएगा। अब गाइस हम तीसरे में बात करते हैं इसके कॉन्फिगरेशन के बारे में। तो गाइस इसमें जो कोर i5 है वो है 4210U CPU। इसमें गाइस अलग वेरियंट्स भी आते हैं, जैसे 4300M, 4210U। मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट लगाए हैं, आप बेंचमार्क चेक कर सकते हैं प्रोसेसर के परफॉर्मेंसेस के बारे में। दूसरी बात गाइस इसमें दो रैम स्लॉट आते हैं, आप 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। एक इसमें हार्ड ड्राइव का जो साटा स्लॉट है उसमें आप हार्ड ड्राइव निकाल के सॉलिड स्टेट ड्राइव के साथ भी गाइस आप अपग्रेड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे नया सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड ड्राइव के लिए एक्सटर्नल केसिंग, नया रैम, वायरलेस माउस, सारे मॉडिफिकेशन अपग्रेडेशन ऑप्शंस गाइस यहाँ पे अवेलेबल है। गाइस मैंने ये लैपटॉप्स काफी सारे लोगों को दिए एंड स्पेसिफिकली मैंने प्रोग्रामिंग पर्पज के लिए दिए, एंड उनका जो फीडबैक आया है वो काफी ब्रिलियंट आया है। उनका ये कहना है कि एंड्रॉइड स्टूडियो है या फिर कोरल ड्रॉ है या जावा C++ का कोई भी प्रोग्रामिंग है, वो ये लैपटॉप पे स्पेसिफिकली 820G1 में, 820 सीरीज में उनको बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस मिला, मोर देन एक्सपेक्टेड। देखो ये कहते हैं कि इवन हैवी प्रोग्रामिंग स्मूथ चलता है विद 8GB रैम। तो सोचिएगा 16GB और SSD करेंगे तो आपको किस तरीके का परफॉर्मेंस मिलने वाला है। ये मेरा सिस्टम गाइस चालू कर दिया, आप चेक कर सकते हो, ये 1366x768 की बेसिकली एक टोटल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, तो जो लाइट्स के रिफ्लेक्शन है वो भी आपको आएंगे नहीं, पिक्सल्स भी काफी शार्प है गाइस। तो गाइस अगर आप चेक करेंगे तो इसकी जो डिस्प्ले है वो है 1366x768 एंटी ग्लेयर है, HD डिस्प्ले है,
फुल एचडी नहीं है। पिक्सल्स गाइस काफी शार्प मिलेंगे आपको, और जो व्यूइंग एंगल्स है आप चेक कर सकते हैं, आपको जो व्यूइंग एंगल्स है अलग अलग व्यूइंग एंगल्स पे ये आप चेक कीजिए, अलग अलग व्यूइंग एंगल्स पे भी आप चेक कर सकते हो। कलर सैचुरेशन है वो काफी डिसेंट इनफ है, नॉट बैड एट ऑल। अगर आप इस पे ग्राफिक ड्राइवर अपडेट करेंगे फुल ब्राइटनेस पे तो डिस्प्ले क्वालिटी गाइस काफी आपकी इम्प्रूव हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ इसकी रियल टाइम जो बैटरी है गाइस, बैटरी की हेल्थ एक्सेलेंट है, मोर देन 80% आपको यहाँ पे बैटरी हेल्थ मिलेगी। गाइस आप यहाँ पे बैटरी हेल्थ भी चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते गाइस यहाँ पे एक्सेलेंट हेल्थ है। ये एप्लीकेशन का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। आपको मोर देन 2 to 3 hours गाइस एवरेज बैटरी बैकअप मिलेगी इसके अंदर, 2 to 3 hours की एवरेज बैटरी बैकअप। यहाँ पे मैं एक साथ में पावर पॉइंट भी खोल दूंगा। एनीवेज सब कुछ एक साथ खुल गया है अभी, सिर्फ फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लगता है, पर बाकी आप चेक कर सकते हो गाइस किस तरीके की उसमें आपको जो इंटरफेस है वो मिलने वाला है। तो ओवरऑल का जो इंटरफेस रहेगा, जो परफॉर्मेंस रहेगा वो काफी फास्ट रहेगा, आपको जो बेसिक लैग है या फिर ऐसी कुछ चीजें आपको जो वो नहीं मिलने वाली है। इसकी गाइस ऑडियो क्वालिटी की बात करते हैं, इसकी ऑडियो भी काफी एक्सेलेंट है, आप सुन सकते हो एक सैंपल ऑडियो। इसका जो फ्रंट स्पीकर है गाइस वो काफी ज्यादा आपको ऑडियो आउटपुट देने वाला है। मैं गाइस अभी खाली आपको लैपटॉप जो है वो पूरा पीछे से खाली खोल के दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। आपको गाइस इस तरीके से लैपटॉप रखना है, इस तरीके से गाइस खोलना है इसे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो गाइस ये एचपी की ओरिजिनल बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। ये गाइस यहाँ पे 4 GB की रैम है, एक सिंगल स्टिक है। यहाँ पे गाइस आप चेक कर सकते हो ये 320 GB की हार्ड ड्राइव है। यहाँ पे गाइस अभी इसका फैन बंद हो जाएगा जिसे लैपटॉप हमने बंद किया है। ये पूरा गाइस इंटरनल जो है ये फ्लैश कैश यहाँ पे दिया हुआ है। इस पे सर 8x8 गाइस आप 16 GB कर सकते हैं। ये जो ओरिजिनल बैटरी है गाइस वो 6 cell की बैटरी आती है, एंड ये लैपटॉप गाइस खोलना और बंद करना भी एकदम आसान है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं। तो गाइस ये जो लैपटॉप है मल्टीटास्किंग, मैंने आपको ऑलरेडी इसकी पर्पस बता दिए। ओवरऑल जो क्वालिटी है इसकी काफी आपको ब्रिलियंट मिलने वाली है, फिर वो बैटरी बैकअप हो या मूवी देखने के लिए लैपटॉप ले रहे हैं। और बेन तो गाइस मल्टीमीडिया है, इसकी जो स्पीकर क्वालिटी है अगर आप रियल टेक या IDT ऑडियो ड्राइवर डाउनलोड करेंगे तो उसकी और ऑडियो आपको एनहांस होकर मिलेगी। गाइस मैं फटाफट दिखा देता हूँ, यहाँ पे VGA पोर्ट है, USB पोर्ट, स्मार्ट कार्ड रीडर है, लॉक स्लॉट है। दूसरे एक्सेसरी की बात करें तो और दो USB पोर्ट्स है, इथरनेट पोर्ट है, ये तो गाइस चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पे डिस्प्ले पोर्ट है, फोन माइक्रोफोन कंबाइन जैक, डिस्प्ले पोर्ट, और गाइस यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये पूरा आप चेक कर सकते हो किस तरीके का ये लैपटॉप आपको मिलने वाला है, HP लैगबुक 820G1। तो गाइस काफी सारे इसके फीचर्स हैं, मैंने ऑलरेडी आपको फीचर्स सारे बता दिए। खाली एक माइनस पॉइंट है कि इसमें HDMI पोर्ट नहीं है, बट चलेगा, आप कन्वर्टर यूज करके आप डायरेक्ट HDMI से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस इसकी जो प्राइस रेंज हमने सेट की गई हुई है वो 4GB 320GB के साथ ₹19,500 की प्राइस रेंज है, एंड गाइस कुरियर के एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो गाइस कॉल करिए 8850247354 पे, ये व्हाट्सएप कीजिए सेम नंबर पे। हमारे यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, ओनली फुल एडवांस ट्रांसफर, मतलब यहाँ आके चेक करके ले सकते हैं, 0 advance 0 hidden charges। वीडियो पसंद आए गाइस तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे रिव्यू वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, पर काफी सारे एक्सप्लेनेशन गाइस आपको उसमें मिलेगा। थैंक यू।